हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए होम गार्ड में जो भर्ती निकली है उसकी फुल डिटेल। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो केवल 8वीं पास हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपके लिए केवल 8वीं क्लास पास होना अनिवार्य है। तो ये 8वीं क्लास पास जो बंदे हैं उनके लिए बहुत बड़ा मौका है सरकारी नौकरी पाने का। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर उन लोगों को फ़ायदा होगा जो ओवर एज हो चुके हैं, जैसे कि काफ़ी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की नौकरी होती है जिनमें एज लिमिट ओनली 18 साल से 25 साल के बीच में ही ली जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एज लिमिट ली जा रही है वो 18 साल से 35 साल के बीच में ली जा रही है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो ओवर एज हो चुके हैं, उनके लिए एक और मौका आया है होमगार्ड में भर्ती होने का और गवर्नमेंट जॉब पाने का। तो दोस्तों, होमगार्ड की जॉब अब पहले जैसी नहीं रही है, बहुत ही अच्छी हो गई है, अच्छी सैलरी होती है इसमें। तो इसमें सैलरी कितनी होती है इस तरह से मैं आपके लिए बताऊंगा। और इसकी जो अंतिम तिथि है दोस्तों, अंतिम तिथि होगी आपकी 6 मई 2020। तो 6 मई 2020 से पहले आपके लिए आवेदन करना है, और आपके आवेदन शुरू कब से होंगे वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। और दोस्तों, इस भर्ती में महिला एवं पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप महिला हैं या पुरुष हैं, मेल या फीमेल, आप दोनों ही इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आवेदन कैसे करें आगे की वीडियो में आपके लिए ये बताऊंगा, और यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी होगी वो भी मैं आपके लिए डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशंस की अपडेट लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अभी sarkarieexam.com पर। तो sarkarieexam.com पर दोस्तों जो भी जॉब्स की नोटिफिकेशंस आती हैं वो फेक नहीं होती हैं, एकदम ओरिजिनल होती हैं, एकदम इन पर आप फेथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आप देखेंगे टॉप ऑनलाइन फॉर्म पे सेकंड नंबर पे है राजस्थान होमगार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2020। तो यहाँ पे दोस्तों 2500 पोस्ट के लिए यहाँ पर जो राजस्थान होमगार्ड की तरफ से यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो मैं इसके लिए अभी क्लिक कर लेता हूँ। और क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो इसको मैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए और साफ से दिखे इसीलिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो अभी मैंने इसको जूम कर लिया है, तो आप देखेंगे राजस्थान होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2020, पोस्ट नेम होगा आपका होमगार्ड का, ऑनलाइन फॉर्म है जो आपका इम्पोर्टेंट डेट्स स्टार्टिंग डेट होगी आपकी, मतलब ऑनलाइन फॉर्म आप कब से फिलअप कर पाएंगे, तो 7 अप्रैल 2020 से इसके जो है ऑनलाइन लिंक है जो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप अगर इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 7 अप्रैल 2020 से 6 मई 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी लास्ट डेट होगी 6 मई 2020, लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट होगी 6 मई 2020। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ी होगी जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट्स के लिए 200 रुपये, मतलब आप अगर जनरल से हैं, ओबीसी से हैं या किसी अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए 200 रुपये फीस देनी होगी, और एससी एसटी से हैं तो आपके लिए 175 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी। जॉब लोकेशन दोस्तों होगी आपके राजस्थान, तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको केवल राजस्थान में ही रहना है, इससे बाहर आपको कहीं पर नहीं जाना है। उसके बाद में आपकी एज लिमिट जो होगी वो होगी आपकी 1 अप्रैल 2020 के लिए मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर। तो आपके मिनिमम 18 साल से 35 साल के बीच में एज लिमिट होना जरूरी है, और एससी एसटी और ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की जाएगी एज पर गवर्नमेंट रूल। तो दोस्तों, नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर 2500 दी गई हैं, 2500 पोस्ट होंगे यहां पे, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी भर्ती होने वाली है ये। उसके बाद हम वैकेंसी डिटेल फॉर राजस्थान होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2020, पोस्ट नेम है आपका यहाँ पे जेल वार्डर। कैटेगरी वाइज वैकेंसी जितनी होंगी आपकी मैं बता देना चाहता हूँ आपके लिए, जनरल के लिए 905 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 144 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 514 पोस्ट हैं, एमबीसी के लिए 121, एससी के लिए 418, एसटी के लिए 304, और पे स्केल होगा आपका एज पर रूल। उसके बाद में आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, तो आपके लिए ओनली 10th क्लास पास होना जरूरी है।
और वो इंडिया के किसी भी स्टेट से। ऐसा नहीं है कि आप केवल राजस्थान से ही पढ़े हुए हैं तभी आप इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से 8 पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों फिजिकल डिटेल दी गई है, फिजिकल डिटेल में आपके लिए मैं बता देना चाहूँगा, जनरल एरिया वालों के लिए फिजिकल डिटेल होगी, हाइट होगी आपकी 168 सेंटीमीटर मेल के लिए, और फीमेल के लिए होगी 152 सेंटीमीटर, चेस्ट होगा आपका यहाँ पे 81 to 86 सेंटीमीटर फॉर मेल ओनली, फीमेल के लिए ये नॉट एप्लीकेबल होगा, वेट होगा मेल के लिए नॉट एप्लीकेबल और फीमेल के लिए 47.5 kg। तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर कुछ हाइट और वेट के चार्ट दिया गया है, आप इसको सरकारी exam.com पर आकर देख सकते हैं, उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पर जाके ये सब डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आपकी रनिंग, जो कि 1 किलोमीटर की होगी, आपके लिए वो पास करनी होगी 3 मिनट 40 सेकंड में, तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, 3 मिनट 20 सेकंड में करेंगे तो आपको 23 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप 1 किलोमीटर की रनिंग 3 मिनट 10 सेकंड में पास करेंगे तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। ये होगी दोस्तों फीमेल के लिए। उसके बाद में आपका आता है मेल के लिए, तो मेल कैंडिडेट्स 1 किलोमीटर अगर पास, ये फीमेल के लिए है दोस्तों, ऊपर वाली मेल के लिए थी, अगर फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर 1 किलोमीटर की रनिंग 4 मिनट 30 सेकंड में पास करते हैं तो उनको 15 मिनट मिलेंगे, और 3 मिनट 40 सेकंड में पास करते हैं तो 23 मार्क्स, और 3 मिनट 15 सेकंड में तो 30 मार्क्स। तो अप्लाई करने के लिए आपके लिए जो लिंक है दोस्तों वो यहाँ पर दिए गए हैं, तो जैसे ही यहाँ पर 7 अप्रैल आएगी यहाँ पर ये लिंक है जो एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से अप्लाई ऑनलाइन के सामने यहाँ पर इस तरह से आएगा क्लिक हेयर, तो जैसे ही आप क्लिक हेयर वाला इस ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम आती है अप्लाई करने में, या आपके लिए कोई भी सवाल पूछना हो, तो आप इस वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाकर मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए पूरी डिटेल प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।